जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं सैलून ज्ञान। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं हेयर साइंस के ऊपर और ये पार्ट वन होने वाला है। तो पार्ट वन में क्या कहते हैं, हम आपको हेयर के बेसिक के बारे में बताएंगे कि हेयर किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, हेयर के अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं इंक्लूड होता है और इसके क्या क्या काम होते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेयर किस चीज़ से बना होता है। हेयर हमारा प्रोटीन, सारे प्रोटीनों अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो कैरेटीन होता है, कैरेटीन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो उसमें होता क्या है कि वो आपके नेल्स और हेयर को सख्त बनाता है इसमें। और एक बात ये कि इन चीज़ों में जान नहीं होती, अगर आप इसको काटेंगे तो इसमें जान नहीं होती। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर मौजूद होता है। तो ये केमिकल जो क्या है, ये क्या कहते हैं, ये इसमें हेयर में इंक्लूड होते हैं। दूसरा आपका जो हेयर स्कैल्प है, जो आपके हेयर स्कैल्प के ऊपर और स्कैल्प के नीचे, अगर आप हेयर स्कैल्प के अंदर की बात करेंगे तो स्कैल्प के अंदर जो है उसे हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। हेयर फॉलिकल का काम है वो ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं और हम एज ए हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर एक्सपर्ट, हम ज़्यादातर हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं। तो उसके बाद हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं, उसके बाद है हेयर फॉलिकल। आपके जो हेयर फॉलिकल है कम से कम 22 हफ्तों में बनते हैं। वो एक हेयर फॉलिकल बनने में 22 हफ्तों का समय लगता है। दूसरा यह है कि ये हेयर फॉलिकल कम से कम आपको 5 मिलियन या क्या कहते हैं 50 लाख हेयर फॉलिकल से लेके 5 लाख हेयर फॉलिकल से लेके 50 लाख के आसपास हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद दूसरा तो दिखाते हैं आपको हेयर के पार्ट्स कितने तरीके से होते हैं। हेयर के पार्ट्स जो होते हैं, एक जो हमारा होता है हेयर शाफ्ट, जो हमारा हेयर जो स्कैल्प से ऊपर का होता है उसे हम हेयर शाफ्ट कहते हैं और इंटरनल पार्ट को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो ये हेयर फॉलिकल को छोड़ के अभी हम हेयर शाफ्ट पे बात करेंगे। हेयर जो हमारे बेसिकली बने होते हैं, हमारे हेयर के अंदर 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं, अगर आप किसी भी हेयर को कट करेंगे, तो अगर आप किसी हेयर को कट करते हैं तो उसके बाद आता है आपका हमारे हेयर के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। जो सबसे अंदर होता है उसे कहते हैं मेडुला, उसके बाद हमारा होता है जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा मेडुला, सबसे अंदर इंटरनल जो सेंटर के अंदर होता है। दूसरा होता है हमारा कोर्टेक्स लेयर होता है, और तीसरा हमारा होता है जो साइड में होता है उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। अगर आप हेयर को कट करें और मैग्नेटिक ग्लास से देखें तो हेयर का जो स्ट्रक्चर लगेगा वो आपको कट करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा देखने में। ऐसा दिखेगा और इसकी तरफ बाहर की तरफ होंगे क्यूटिकल। तो ये आपका क्यूटिकल, ये आपका कॉर्टेक्स लेयर और ये आपका मेड्यूला। तो इन सब के अलग अलग काम होता है। अगर क्यूटिकल क्या करता है, क्यूटिकल आपको प्रोटेक्ट करता है बाहर इन्वायरमेंट से। वो आपके बहुत जैसे आपके सनलाइट हो गया या फिर पोल्यूशन हो गया, तो आपको हेयर को प्रोटेक्ट करता है, क्यूटिकल प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, हीट से, मॉइस्चर से, बहुत चीज़ों से वो आपके हेयर को वो करता है। उसके बाद होता है कोटेक्स लेयर क्या करता है। कोटेक्स लेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोटेक्स लेयर में 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक प्रेजेंट होता है हेयर बॉन्ड और दूसरा कलर पिगमेंट। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो केमिकल्स के काम होते हैं वो इनके ही ऊपर होते हैं, कॉर्टेक्स लेयर के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है
आपका क्या हाइड्रोजन बॉन्ड या बाकी बॉन्ड, सोल्ट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो सब कॉर्टेक्स लेयर के अंदर ही होता है। और कलर पिगमेंट, आप जो भी कलर करते हैं, जो परमानेंट कलर करते हैं, वो ज़्यादातर कॉर्टेक्स लेयर के ऊपर ही काम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड अगर जो अपने हेयर को इलास्टिसिटी खींचते हैं और वो वापस हेयर आ जाता है, तो उसमें इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसे ही बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो उसको आप स्ट्रक्चर वाइज चेंज और वो कर सकते हैं। वो दूसरा जो क्या कहता है वो है मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है? मेड्यूला ज़्यादातर आपके हेयर के थिकनेस को डिफाइन करता है। बहुत सारे हेयर में ये पाया जाता है, बहुत सारे लोगों में नहीं पाया जाता है। मेडुला क्या करता है? अगर किसी का हेयर थिक है और वो मोटा है, तो समझिए उसके हेयर में ज़्यादातर मेडुला प्रेजेंट है। बहुत सारे लोग जिनके फाइन हेयर होते हैं उनमें मेडुला नहीं होता, बहुत सारे में नहीं होता। और कुछ साइकिल, तो हेयर ग्रोथ साइकिल में ये होता है कि हेयर के तीन फेस होते हैं। तीन फेस होता है, एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। तो एनाजेन क्या होता है? एनाजेन में ज़्यादा मोर टाइम जो हेयर होते हैं वो एनाजेन ग्रोथ साइकिल में होता है। ये 6 मंथ से लेके 12 मंथ या इससे भी ज़्यादा 180 मंथ तक भी रह सकते हैं। ये जब तक एनाजेन, अगर किसी के हेयर लंबे टाइम तक ग्रो हो रहे हैं, तो उसका हेयर स्ट्रक्चर और उसका जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी लंबे समय तक एनाजेन की कैटेगरी में रहता है, जिसके कारण उनके हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी के हेयर बहुत शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते, तो उनके जो हेयर है वो ज़्यादातर एनाजेन में नहीं रहते, काफ़ी थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं कैटाजेन में। कैटाजेन में क्या होता है कि वो आपका जो ग्रोथ साइकिल है वो आपके ग्रोथ साइकिल से थोड़ा आगे निकल जाता है। वो होता आपके उसमें ही है, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता और कुछ समय के बाद वो आपके स्कैल्प से, आपके रूट से बाहर हो जाता है। वो है टेलोजन। क्या है टेलोजन? वापस एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे दोबारा हेयर फॉलिकल बनते हैं और उनमें से नए बाल वापस उगना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे हेयर साइकिल कहा जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जितना आपका हेयर एनाजेन की कैटेगरी में रहेगा, आपके हेयर उतने ज़्यादा ग्रो होंगे, और उतने एनाजेन में जितने आपके हेयर उस कैटेगरी में रहते हैं, हेयर ज़्यादा लॉन्ग रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। और उसके बाद जो अगला फेस होता है वो कैटाजेन। कैटाजेन में जाने के लिए से जितना भी एनाजेन में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम लगता है कैटाजेन। कैटाजेन यानी वो हेयर फॉलिकल से निकल गया, लेकिन हेयर शाफ्ट के अंदर है, लेकिन वहाँ से वो निकल गया और धीरे धीरे वो बाल जो आपका हेयर है वो आउट हो जाता है। तो वो हेयर फॉलिकल हो गया, उसके बाद उस नए हेयर फॉलिकल से एक नए बाल निकलता है जो टेलोजेन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हेयर का ग्रोथ साइकिल कैसा है। जानकारी दे दी है, हेयर स्ट्रक्चर के बारे में दे दी है। आज है पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम आपको इसके सॉल्ट बॉन्ड और बाकी केमिकल कंपाउंड के ऊपर बात करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के बीच में भेजें जिसे इसकी बहुत ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।